बिहार में पहली बार एमपी लेड फंड से दिव्यांगों के बीच स्कूटी का वितरण किया गया। एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के एमपी लेड फंड से 110 स्कूटी का वितरण महिला और पुरुष दिव्यांगों के बीच जलालपुर के इंटर कॉलेज में किया। यह वितरण 16वीं लोकसभा एमपी लेड फंड की राशि से किया गया। महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पिछली बार भी 6 दिव्यांगों को स्कूटी दिलाई थी। दिव्यांग भाइयों और बहनों के जीवन में एक गति आए, इस सोच के साथ थे आज का कार्यक्रम में उन दिव्यांग भाइयों और बहनों के लिए रथ वितरण, माने उनके लिए उनके जीवन के रथ, उनके जीवन के यात्रा को और रफ्तार देने के लिए है। स्कूटी, मोटर युक्त स्कूटी आज उन लोगों को माने मुहैया कराया गया है जिनका पहले से आवेदन था, और वैसे लोगों को भी यह मुहैया कराया जाएगा। उनके इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी पहुंचे थे और सांसद की वो पहल से खुद गदगद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक उदाहरण है जो बिहार के 40 सांसद को करना चाहिए। मैं सभी परिवार के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि अगर किसी के घर में कोई दिव्यांग पैदा होता है तो उसकी भी उसी प्रकार से सेवा होनी चाहिए जिस तरह से किसी सामान्य व्यक्ति की सेवा और शुश्रूषा होती है। उल्टे उनकी विशेष सेवा होनी चाहिए क्योंकि वो दिव्यांग है। जो काम आज तक बिहार में किसी सांसद ने नहीं किया था, और अभी मुझे धूमल जी कह रहे थे, और अभी धूमल जी मुझे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में भी और ये प्रावधान होना चाहिए ताकि माननीय विधायक भी अपने ऐच्छिक कोष से दिव्यांग लोगों को इस प्रकार की मदद कर सके। महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के इस पहल से दिव्यांग भी काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आसान, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पहले क्या परेशानी थी आपको? जाने में बहुत परेशानी होती थी। पहले कैसे आप मूवमेंट करती थी? पहले जब से शादी हुई है तब से पति-पत्नी के साथ जाती सर। आपको बता दें कि सांसद साहब ने स्कूटी तो बांट दी, लेकिन स्कूटी के साथ हेलमेट देना भूल गए। जब इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने हल्के में इस बात को आया गया कर दिया। आलोक जायसवाल, छपरा, बिहार तक।